आज मैं आप लोगों को ये छह साइड्स वाला रूबिक्स क्यूब बनाना सिखाऊंगा। इसके लिए पहले तो आपको बहुत सारी प्रैक्टिस चाहिए और मेहनत भी। तो ये देख लीजिए, ये रूबिक्स क्यूब पूरा शफल्ड है, कुछ भी नहीं बना है इसमें। ठीक, तो पहला स्टेप हमारा ये होता है कि जो मिडल का व्हाइट है ये वाला, हम इसके चारों ओर येलो को लाएं। येलो के ये वाले जो है ना बीच वाले, उसको इसके चारों ओर लाएं। तो देखिए ये आया ऐसे, फिर इसे ले आते हैं ये, फिर इसे भी ले आए और इसे भी ले आए। आपको इन कोने वालों से कोई मतलब नहीं है। फिर हमारा ये दूसरी चीज होती है, दूसरा स्टेप, कि हम जो इसके नीचे वाले ये हैं, जैसे मान लीजिए ये ग्रीन है, तो हम ग्रीन के ऊपर वाले इसे भी मैच कर दें इन दोनों को, और फिर उसको उन दोनों को दो बार राइट या लेफ्ट में घुमाए ऐसे, एक दो। ठीक, और ऊपर ये भी खास ध्यान रखें कि ऊपर पीला हो इनके। ठीक, अब नेक्स्ट कलर आया हमारा ऑरेंज, तो हम ऑरेंज की तरफ चलाते हैं, ये दोनों आ गए, फिर इसको घुमा दीजिए एक दो। फिर हमारा नेक्स्ट कलर आता है ब्लू, ब्लू की तरफ हम लोग लाए, फिर से घुमा देते हैं एक दो। फिर लास्ट कलर हमारा रेड है, ये शायद मिला हुआ है, तो इसे भी घुमा देते हैं एक दो। ठीक, तो अब ये हमारा कुछ इस प्रकार दिखेगा। इन दोनों येलो, सबसे पहला येलो बनाया था ना, येलो में सबसे पहला बनाया था। तो हमारा ये कुछ इस प्रकार दिखेगा। आप इन दोनों येलो को छोड़ दीजिए, तो ये ऐसे ऐसे दिखेंगे। फिर आपको नेक्स्ट स्टेप क्या करना है कि जो येलो के कॉर्नर्स हैं, इन्हें ऊपर लाना है। तो ये एक कॉर्नर है और इसके बगल वाले कलर, ये रेड, ये येलो है, इसके बगल वाले कलर रेड को ऊपर रेड के साथ मिलाना है ऐसे, बीच वाला और कोने वाला रेड, येलो इधर होगा। फिर हम इस येलो को इधर ले आएंगे इस जगह। तो इसके लिए हम करेंगे, इसको एक बार इधर घुमाएंगे, इसको नीचे लाके हम इसे घुमा के वापस ऊपर कर देंगे। फिर हमारा एक और येलो कोना है जिसके बगल में रेड है, तो इसे हमने इसके साथ मिला दिया और इधर येलो है, इसको भी अब हम लोग यहाँ भी लाएंगे ऊपर। तो इसको ऊपर लाने के लिए हम इसको घुमाएंगे, नीचे लाएंगे इसे और फिर वापस येलो लाके ऊपर कर देंगे। अब हमारे ये नीचे एक येलो है, तो इसे भी हमने ऊपर लाना होगा यहाँ पे, तो पहले तो इसे ऊपर ले आए। ठीक है, अब इस येलो को हमें ऑरेंज के साथ, इसके बगल वाले कलर ऑरेंज के साथ मिलाना है और फिर इसे ऊपर कर देना है। अब लास्ट येलो बचा है हमारा ऑरेंज वाला, ऑरेंज के साथ हमने मिलाया इसे और फिर इसे इसके साथ मिला के ऊपर कर दिया। तो ये हमारी फर्स्ट लेयर बन गई है, येलो पूरा तैयार। और ये आप देख सकते हैं, ग्रीन का तीनों हो गया और रेड का तीनों हो गया, ब्लू का तीनों हो गया ऊपर का, और ये हो गया, और उनके नीचे वाले दोनों कलर मैचिंग के हैं। ठीक है, अब हमारा ये दूसरा तीसरा स्टेप आएगा, बहुत ही ये थोड़ा सा मुश्किल होगा। तो अब इसे हम लोग यहाँ से, इसमें हमें क्या करना होता है कि इन दोनों के नीचे वाला, जैसे ये, इन तीनों को मिलाना होता है और जहाँ पे ये खाली है उधर के लिए हमें करने के लिए ये 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 ये, फिर ये इधर आ गया येलो, तो बस अब इसे ऊपर ले जाना है ऐसे 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 ऐसे। तो आप देख सकते हैं कि नीले की दोनों लेयर बन गई। इसी तरह हमें सब में करना है, ऑरेंज के साथ भी। ऑरेंज को इसके नीचे लाना है और उसके बाद
यहाँ पे खाली स्पेस है तो इसके अपोजिट डायरेक्शन में हम लोग इसे घुमाएंगे और फिर नीचे लाके ऐसे करके ऊपर करेंगे और फिर इस येलो को यहाँ ऊपर ले जाएंगे। तो आप देख सकते हैं ऑरेंज की भी बन गई और ब्लू की भी बन गई। अब हमें बनानी है रेड और ग्रीन की। रेड के साथ भी हम वही करेंगे, इसे ऐसे घुमाएंगे नीचे लाके इसे येलो को हटाएंगे, फिर ये जो येलो का कोना है इसे ऊपर ले जाएंगे। इसी तरह रेड की भी बन गई। अब लास्ट बची है हमारी ब्लू की और ग्रीन की। तो अभी हम लोग, और हाँ एक इम्पोर्टेंट चीज, अगर आपको कहीं पे भी इन दोनों कलर का मैचिंग नहीं दिख रही हो, ग्रीन और जैसे ये ग्रीन और रेड यहाँ पे लगाना है तो, और इसके नीचे व्हाइट हो, तो आप वापस वही स्टेप इसके साथ एक बार करिएगा तो आपका यहाँ पे ये रेड और नीला वाला आ जाएगा। तो अब इसके साथ हम सेम स्टेप करेंगे, येलो को ऊपर लाएंगे और हमारा ये दोनों बन गया। अब हमारा लास्ट बचा है ग्रीन, तो ग्रीन को हम इधर लाके, इधर लाना है हमें ग्रीन को, तो इधर ऐसे ये ये येलो को फिर ऊपर लाएंगे ऐसे 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 ऐसे। तो अब आप देख सकते हैं कि हमारी ये दोनों लेयर्स बन चुकी हैं। अब हमें ये थर्ड लेयर बनानी है। इस थर्ड लेयर को बनाने के लिए थोड़ा मुश्किल स्टेप्स हैं, उसे आपको याद रखना होगा। उसके लिए हमें करना होता है, राइट इधर 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 और वापस इधर। फिर से एक बार दिखाता हूँ, यहाँ पे राइट इधर इधर नीचे साइड एंड लेफ्ट। तब हमारा ये आपको मिलेगा ये स्टेप रिपीट करने के बाद कुछ ऐसा क्रॉस। अब इसके लिए एक और, इससे एक कठिन स्टेप है, उसमें हमें ये करना होता है ऊपर लेफ्ट नीचे लेफ्ट ऊपर ये नीचे। फिर वही स्टेप रिपीट करेंगे, ऊपर ये नीचे ये ऊपर ये नीचे। तो आप देख सकते हैं कि हमारी वाइट भी पूरी तैयार है, येलो भी पूरी बन गई है और सेकेंड लेयर बन गई है। अब एक और स्टेप है इससे मुश्किल। अब ये जैसे बना हुआ है तो इसे इसके साथ मैच कर लिया। तो अब तीन हमारे बन चुके हैं और तीन बनाने बाकी हैं। तब ये जो स्टेप है ये थोड़ा कठिन है, इसके लिए हमें करना होगा कुछ इस प्रकार। इसमें हमें क्या करना है कि रेड को इधर लाना है, ग्रीन को इधर लाना है और इस ब्लू को वापस इधर लाना है। तो रेड को पहले इधर लाएंगे, उसके लिए हमें दो बार इसे साइड घुमाना होगा, फिर इसको इधर लाना होगा। तो हम लोग पहले से दो बार साइड, फिर इसको इन दोनों को नीचे ले जाएंगे, फिर हम इसे दो बार ऐसे करके मोड़ देंगे, फिर हम इसको वापस नीचे ले जाएंगे बीच का घुमा के। तो अब हमारा ये दोनों लेयर वापस बन गई है। फिर हम इन दोनों ग्रीन को यहाँ पे ले आएंगे और फिर हमारा रूबिक्स क्यूब सॉल्व हो जाएगा। थैंक यू।